गाइज, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं, और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज, अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं, 3, 2, 1, डन। कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। कई साल पहले मैंने और मेरी दो फ्रेंड्स मीरा और एना ने हैलोवीन पर एक स्लीप ओवर करने का डिसाइड किया था। मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा गार्डन था, तो हमने सोचा कि हम वहीं बॉनफायर करके टेंट लगाएंगे और उसमें सो जाएंगे। दिन भर रात के स्लीप ओवर की तैयारी करके मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने टेंट लगाया और बॉनफायर लगाकर खूब मजे करने लगे। मेरे मम्मी पापा जल्दी सो गए थे और इसलिए हमने सोचा कि हम चुपचाप थोड़ी देर के लिए स्नीक आउट करेंगे। घर से बाहर जाएंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं, मीरा और आना रात के 12:30 बजे घर के पीछे वाले गार्डन से बाहर निकल गए। हम सड़क पर बहुत जोर जोर से हंसते हुए और हूटिंग करते हुए घूम रहे थे। हम पहली बार घर से ऐसे स्नीक आउट कर रहे थे और उसी के एक्साइटमेंट में हम कुछ भी चिल्लाए जा रहे थे। घूमते घूमते हम जंगली झाड़ियों के पास पहुंच गए। जब हम वहां से निकल रहे थे तो एना ने अचानक ही हमें आवाज लगाई और रुकने को कहा। उसे उन झाड़ियों में से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब हम तीनों ने वहां झांका तो हमें सफेद रंग के बाल नजर आए। उन सफेद बालों में जो भी था वो कुछ खा रहा था। हमें लगा कि शायद वो कोई जंगली जानवर होगा जिसने किसी पालतू पेट का शिकार किया होगा। हमने न जाने क्यों एक्साइटेड होकर अपनी मस्ती में उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पहला पत्थर लगते ही हमें उसके कुर्राने की आवाज आई, तो हमने उसे और तेजी से पत्थर मारना शुरू कर दिया। हम तब काफी छोटे थे और बहुत शैतान बच्चे थे। इतनी समझ नहीं थी हमें कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन फिर हमें कुछ ऐसा दिखा जिससे हमारी रूह कांप गई। वो किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। वो तकरीबन 7 फीट लंबा, सफेद बालों से भरा था, जिसके जानवर जैसे लंबे दांत और नाखून थे, और उसके दांतों और नाखूनों से खून टपक रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी कोई ताजा शिकार किया हो। उसे देखकर हम इतना डर गए कि हमसे जितना तेज हो सका हम वहां से भागने लगे। हम घर पहुंचे और हमने अपने टेंट में घुसकर चैन की सांस ली। हम उस बारे में आपस में बात ही नहीं कर पा रहे थे। एना हम सब में से सबसे स्ट्रांग थी। उसने सजेस्ट किया कि हमें अब सो जाना चाहिए, शायद जब हम सो के उठेंगे तो हमें अच्छा फील होगा। हम तीनों टेंट में ही लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद हमारी नींद खुली एक आवाज से। ये किसी मेटल के बजने की आवाज थी। एना ने हिम्मत की और टेंट के बाहर झांका, तो वो बुरी तरह चीखती हुई अंदर की तरफ आ गिरी। वही जानवर जैसा जीव हमारे गार्डन के गेट पर खड़ा एक बहुत बड़ी सी आयरन रॉड हमारे गेट पर बजा रहा था। उसकी भयानक आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो हमें सूंघते हुए हमें मारने आया है। वो एना को देखने के बाद और भी तेज गुर्राने लगा था। मीरा तो डर के मारे जोरों से रोने ही लगी। हमने जल्दी से डिसाइड किया कि हम एक झटके में भागकर घर के अंदर चले जाएंगे। हम तीन गिनने पर जोर से घर के अंदर दौड़े और घर का दरवाजा लॉक कर लिया। हमने फौरन जाकर मम्मी पापा को उठाया और उन्हें पूरी बात बताई। जब पापा ने खिड़की के बाहर झांका तो वहां कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि हम झूठ बोल रहे थे और हैलोवीन के दिन उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमें अपनी आंखों पर विश्वास था।
हमने खुद उस आदमी को उस दिन देखा था। इस हादसे के बाद हम काफी ज्यादा डर गए थे। ऐना और मीरा फिर कभी मेरे घर नहीं आए और मैं फिर कभी रात में अपने बैक गार्डन में नहीं गई। पर कौन था वो सफेद बाल वाला दरिंदा? कोई इंसान या कोई जानवर? ये कोई भी नहीं समझ पाया। आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही एक भयानक क्रीचर के ऊपर खूनी मंडे की ओरिजिनल सीरीज चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए।